आचार संहिता लगने के बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने की प्रेस वार्ता, कहा शांतिपूर्ण तरीके से होगा मतदान। खबर उत्तर प्रदेश के बहुजन पर से है, जहां आचार संहिता लगने बाद जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता की है, कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जाएगा। वह चुनाव में पैसा शराब बांटने वालों की खैर नहीं होगी, अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी। चुनाव में किसी प्रकार का योजनाओं के बारे में बोली ने में मनाई है। वहीं घोसरी लोकसभा क्षेत्र में सातवें चरण का मतदान 1 जून को है। जनपद में 20,66,457 मतदाता हैं। के बारे में सामान्य जानकारी से अवगत कराया गया है सभी मीडिया बंधुओं को, उनको ये भी बताया गया है कि आदर्श आचार चुनाव संहिता का कैसे कैसे अनुपालन किया जाए और क्या इसके प्राविधान है। उल्लंघन की दिशा में IPC और RP एक्ट की जो सक्षम धाराएं हैं उनके बारे में सभी मीडिया बंधुओं को अवगत कराया गया है और सुचारू रूप से चुनाव संपन्न कराने के लिए इनसे सहयोग की पूर्ण अपेक्षाएं की गई। सर, कितने बूथ हैं और कितने सबमिशन हैं? जी, यहाँ जैसा कि हमने पहले भी अवगत कराया है कि नसरा विधानसभा बलिया से है और वहाँ के भी बूथ हमारे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र घोसी में आते हैं। कुल मध्य स्थल 2125 है जिसमें शहरी 464 है और ग्रामीण 1661 बूथ है। मतदान केंद्र की कुल संख्या 1124। ये अभी हम लोग फाइनलाइज कर रहे हैं, हमारे सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स फिर से प्रथम दृष्टया रिपोर्ट अपनी दे दिए हैं। हमको और SP साहब को पूरी रिपोर्ट को अपना कॉन्शियस ओपिनियन लेते हुए और हर ढंग से हर एंगल से स्कोर करते हैं उसको भी। महिलाएं कितने, पुरुष कितने, दिव्यांग कितने हैं और ट्रांसजेंडर कितने हैं? इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाता 20,66,457 है। पुरुष यहां पर 10,95,381 और महिला 9,71,004 है। थर्ड जेंडर संख्या 72 है। 18 से 19 आयु वर्ग जैसा पहले हमने बताया 28,964 है। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 15,056 है। सर, 85+ जो वोटर्स हैं उनके लिए क्या 85+ वोटर्स के लिए और 40% से ज्यादा दिव्यांगता वाले दिव्यांग मतदाताओं के लिए जो आने में सक्षम नहीं है केंद्र तक, उनके द्वारा 12D एक फॉर्म में भरा जाएगा। 12D फॉर्म के तहत उनसे भी हम लोग पोस्टल बैलेट की व्यवस्था दे करके जहां वो है उन्हीं से मतदान। सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए? सुरक्षा के इंतजाम के बारे में पूरा बता देंगे। इसके लिए बाकायदे प्राविधान इसमें प्राविधानित हुआ है। हमारे पहले ही कोड में एक्ट में मना किया गया कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी दल के लिए या किसी भी प्रत्याशी के लिए कहीं से भी एजेंट की भूमिका नहीं कर सकता है और ना ही इस प्रकार की किसी बिल्कुल मना है। सोशल मीडिया में ये या ऐसी कोई भी उल्लंघन की कार्रवाई आती है जैसा हमने पहले भी अवगत कराया कि यहाँ कंट्रोल रूम भी हम लोग का बना हुआ है। सोशल मीडिया के लिए अलग से नोडल ऑफिसर की तैनाती है जो पूरी पूरी चीज देखे और रिस्पॉन्स टाइम भी अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टाइम में ही हम लोगों ने एक्शन लेने के बारे में सोचा। सर, कुछ लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया है, अंडरपास की ऐसे जो भी व्यक्तिगत प्रकरण है वो हम लोग ये तैयारी हो जो भी चरण है हम लोग का निर्धारित रूप से कार्रवाई करना है ये सबको अवगत किया गया है। चुनाव को लेकर जो भी तैयारी है जो भी कार्रवाई